नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं बेस्ट क्वालिटी चैनल। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि हम ये कैसे करें वो कैसे करें, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर PS2 हमारी TV से कैसे कनेक्ट करें, चाहे वो ये वाला हो या फिर ये वाला हो या फिर और कोई सा हो। आपको क्या सेटिंग करना पड़ेगी अपने PS2 में या TV पर। तो दोस्तों मैं आपको अभी ये वाला PS2 कनेक्ट करके दिखाऊंगा और इसी तरह से ये वाला भी कनेक्ट होता है। और जो हम सेटिंग इस वाले में करेंगे वही सेटिंग इसमें होती है और लगभग सभी में होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो ये देखिए, इस ये वाला केबल कनेक्टर तो यहाँ लगता है, आपको पता ही होगा और आपने लगाया भी होगा। और ये वाला हमारा जाएगा TV में और इसकी पावर कोर्ड हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों लीड हमें लगानी है। किसी किसी में दो पोर्ट होते हैं तो आपको दो लगानी है, मेरे इसमें तीन है तो मैं तीन लगाऊंगा। ये दोस्तों मैंने PS2 के जो साथ आता है LED के लिए, ये मैंने उस कनेक्टर का बनाया है। इसका जो हमारी TV का ओरिजिनल पोर्ट है वो पीछे है और ये वायर ला के हमने इसमें अलग से लगाए हैं। तो ये देखिए मेरे पास तीन पोर्ट हैं, एक हो गया हमारा वीडियो का और एक ऑडियो का। देखिए वीडियो, ऑडियो और ये भी ऑडियो, तो यानी एक वीडियो का और ऑडियो में दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो ये उसके हैं। पर जो मेरी ये TV है ईगो की या आईगो की, ये लिखा हुआ है आप देख लीजिए, तो इसमें पीछे दो पोर्ट हैं। फिर भी मैं आपको तीन लगा के दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ मेरे TV में सिर्फ दो पोर्ट हैं, ये वाला और ये वाला, वीडियो का और ऑडियो का, सिर्फ एक ही पोर्ट है इसमें। फिर भी मैं आपको इसमें लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारी सेटिंग है वो हमें गेम से करनी है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी आपकी TV हो वो ऑटो मोड पर हो, जो भी हम AB पर मोड देते हैं यानी इनपुट सिग्नल इसमें जाएंगे जो भी, वो ऑटो मोड पर होना चाहिए। जैसे कि किसी किसी में यहाँ पर पल लिखा आता है या NTS आता है, तो वो वाला आपका दोनों वाला बोर्ड जो मोड है वो ऑटो पर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें कोई भी सिग्नल देंगे इनपुट जो कि हमारे इस गेम में से निकलेगा, तो वो ऑटो मोड पर चलना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब दूसरी सेटिंग हम करेंगे हमारे गेम से। तो दोस्तों मैं गेम चालू कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ऑटो पल, यानी इसमें से जो मेरा सिग्नल है वो पल वाला निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, पहली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है X, और आपका जो भी यहाँ पर है कंपोनेंट वीडियो आउट, तो वो आपको RGB सिलेक्ट करना है। किसी किसी में यहाँ पर होता है ये वाला, किस लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है RGB और O दबाना है, यानी सर्कल और बैक आना है, ये आपका सेव हो जाएगा। और फिर हमारे गेम को रीसेट कर देना है। तो दोस्तों जो हमारी अभी मैंने आपको पहले नंबर की सेटिंग बताई, अब दूसरी सेटिंग कौन सी है अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसे रीसेट करने से पहले, यानी कि ऑन करने से पहले, आपको ट्रायंगल प्लस सर्कल इस तरह से दबा के रखना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे ग्रीन करना है। तो आप ऊपर देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स सेटिंग खुल जाएगी और आपका जो गेम है वो आपको किस तरह से आपकी जो वीडियो स्क्रीन है, मतलब आप किस तरह से इसमें सिलेक्ट करेंगे अपनी जो स्क्रीन पर जो आपके गेम आएंगे, वो आपको इससे सिलेक्ट करना है एक से। तो यहाँ पर देखिए पल, यानी अगर आप एक रेगियन के गेम चलाने चाहते हैं, यानी आप एक कंट्री के गेम चलाने चाहते हैं यूरोप के, तो आपको पल सिलेक्ट करना है। और दोस्तों पल की क्वालिटी बहुत प्यारी होती है, आप करके देखिएगा।
और आपको ये वाला जो नीचे वाला मोड है इसे ऑन कर देना है, यानी ऑटो पे कर देना है। अगर आप बहुत सारे गेम चलाने चाहते हैं अलग अलग कंट्री के दोस्तों चलेंगे तो आपके इस पर भी, यानी जो पल है आपके सारे गेम इस पर भी चल जाएंगे। लेकिन कोई कोई से गेम ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको सारे गेम चलाना है जैसे कि आइस एज, अगर आपका आपके पास आइस एज गेम है और वो इस मोड पर नहीं चलता है तो आपको, मतलब जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ पर आप इसे करेंगे तो यहाँ पर वाइट स्क्रीन बनी आ जाती है और आपके रिमोट में लाइट आ जाती है तो वो गेम चलता नहीं है। तो वो गेम किस पर चलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कर दीजिए इसको NTCS और इसको कर दीजिए ऑफ, ये ऑफ हो गया। और फिर आपको यहाँ पर करना है कलर। तो दोस्तों आप यहाँ पर कलर सिलेक्ट करके रखिएगा अपने गेम में, क्योंकि दोस्तों ये मैट्रिक्स सेटिंग बहुत से लोगों को पता नहीं है। और बाकी मैं आपको मैट्रिक्स सेटिंग की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको सारे फंक्शन दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर लिखा है पर्स स्टार्ट टू द सेफ सेटिंग, तो आपको अपने रिमोट से स्टार्ट दबाना है और ये सेव हो जाएगी। अब आया सेटिंग सेव, प्रेस रीसेट। तो अब आपके आपको गेम का रीसेट बटन दबाना है, जिससे कि जब भी यहाँ पर हमारा जो सिग्नल आएगा तो वो हमारा आएगा कलर का और इस पे सारे गेम चल जाएंगे आपके सारे के सारे। यानी जो भी आप OPL से चलाते हैं तो उस पर कोई कोई से गेम नहीं चलते, आपके सिर्फ वाइट डिस्प्ले आ जाती है। तो ये सेटिंग इसके लिए है और आपका गेम अब पूरी तरह से आपकी टीवी में चलने के लिए तैयार है और आपके सारे गेम इस पर चल जाएंगे। मैं आपको दूसरी वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसका सामने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही मैं आपको और भी इस तरह की दूसरी वीडियो देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।